करोगे? मेरा देखने आप भी चल रहे? हाँ चलो चलते हैं, सब मिल गए। हम मेला देखने जा रहे हैं। We are going to a fair. We are going to a fair. Fair मतलब होता है मेला। We are going to a fair. अरे यार पूजा, आज कोई आया ही नहीं, कितना टाइम हो गया। मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। I don't feel like studying today. I don't feel like studying today. So I don't feel like का मतलब होगा मेरा मन नहीं कर रहा है। I don't feel like studying today. रोहित आप भी तो कुछ बोलो। यार मुझे टॉपिक पता नहीं। यार ये अच्छा बहाना है। यह एक अच्छा बहाना है। दिस इज अ गुड एक्सक्यूज। दिस इज अ गुड एक्सक्यूज। तो याद रखेंगे इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं एक्सक्यूज। तो शुरू में जो साउंड है वो है ई और लास्ट में जो साउंड है वो है ज। एक्सक्यूज। This is a good excuse. This is a good excuse. लखन, लखन, तेरी मम्मी बुला रही है। तुम्हारी मम्मी बुला रही हैं। Your mother is calling. Your mother is calling. अगर हम बोलें तुम्हें तुम्हारी मम्मी बुला रही हैं, तो हम बोलेंगे Your mother is calling you. Your mother is calling you. दीदी, हाँ जी, पकौड़े बहुत स्वादिष्ट हो रहे हैं, मजा आ गया। पकौड़े बहुत स्वादिष्ट बने हैं। The fritters are very delicious. The fritters are very delicious. तो fritters यानी पकौड़े या पकौड़ियां। Fritters, fritters, और delicious का मतलब होता है स्वादिष्ट। So इस वर्ड को हम पढ़ेंगे delicious, delicious. The fritters are very delicious. मम्मी मुझे कुछ खाने को दे दो। Mother Please give me something to eat. Mother, please give me something to eat. Please give me something to eat का मतलब हुआ मुझे कुछ खाने को दे दो। पूजा, कल तुम कहाँ गई थी? कौन, मैं? हाँ हाँ तुम। कल मैंने तुम्हें मार्केट में देखा था। मैंने कल तुम्हें मार्केट में देखा था। I saw you in the market yesterday. I saw you in the market yesterday. तो see की second form है saw और बीते हुए कल को बोलते हैं yesterday. So I saw you in the market yesterday. मैंने कल तुम्हें market में देखा था। सूरज, हाँ भाई क्या कर रहा है? इतनी ठंड हो रही, टोपी पहन ले, ठंड लग जाएगी। तुम्हें ठंड लग जाएगी। You will catch cold. You will catch cold. You will catch cold का मतलब होगा तुम्हें ठंड लग जाएगी। So catch cold का मतलब होता है ठंड लग जाना। So you will catch cold यानी तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो बहुत बातूनी है या वो बहुत बातें करती है। She is very talkative. She is very talkative.
अगर ये कोई लड़का होता तो हम बोलते ही इज वेरी टॉकेटिव, ही इज वेरी टॉकेटिव। टॉकेटिव मतलब बातूनी, बहुत बात करने वाला। तुम्हें चोट लग जाएगी, यू विल गेट हर्ट, यू विल गेट हर्ट, तुम्हें चोट लग जाएगी। यू विल को आप पढ़ सकते हैं यूल, तो हम कह सकते हैं यूल गेट हर्ट, तुम्हें चोट लग जाएगी।